ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके भी हो सकते हैं, वही सबसे वो है मेन मुद्दा। हाँ। जमीन की लड़ाई है, जमीन का क्या, जमीन की और कुर्सी की लड़ाई है। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को कुछ टाइम पहले से अगर फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हम लोग जैसे जर्मनी में काफी टाइम से रह रहे हैं और अब हम जैसे सोच रहे हैं कि घर ले लिया जाए, तो हम जैसे उस प्रोसेस में हाउस हंटिंग की, तो हमने कुछ वीडियोज बनाए हैं ऑलरेडी और आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। बताती हूँ क्यों। आप मेरे पीछे शायद देख सकते हो कि कितने अमेजिंग अमेजिंग घर आपको दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक जैसे कंपनीज की तरफ से बनाया हुआ होता है। यहाँ पे ये जो भी आप घर देख रहे हो, ये सारे अलग अलग कंपनीज से ना डेमो हाउसेस बनाए हुए हैं। तो आप इन घरों के अंदर जा सकते हो, पूरा एक लुक एंड फील ले सकते हो कि किस टाइप से यहाँ पे घर बनते हैं। उसके बाद से सबके अपने अपने स्पोक्स पर्सन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो सेल्स मैनेजर्स, उनसे आप बात कर सकते हो। आपको पूरा बता देते हैं कि जैसे इस घर की इतनी कॉस्ट पड़ेगी, इतना बनेगा, ये वो। तो हम भी वही सब एक्सरसाइज करने आए, तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये सारे अमेजिंग अमेजिंग घर और देखते हैं कैसा रहता है। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। और मीनवाइल आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर घर। ये वाला घर काफी अमेजिंग दिख रहा है, तो एटलीस्ट चल के इसको देख तो लेते हैं कि अंदर से है कैसा और कितने में बनेगा। वो नीचे तो है लिविंग रूम, दैट्स फाइन, लिविंग रूम बहुत अच्छा है, बट मैं जो बहुत अच्छी चीज है वो आपको दिखाती हूँ। होश उड़ गया मेरे देख के। ये वॉशरूम है जो यहाँ से शुरू हो जा रहा है और मतलब ये देखो यार, मतलब मेरे घर के शायद दो कमरे जितना बड़ा ही अकेला वॉशरूम है। यहाँ पे टब इन्होंने इतना स्टाइल से बीच में ऐसे रखा है, ये दीवार के चिपका के स्पेस यूटिलाइजेशन हो रही है कुछ नहीं। और ये यहाँ पे स्टैंडिंग शावर है इतना बड़ा, मतलब व्हाट इज दिस। हम दोनों के एकदम ऐसे हम चौंक चुके हैं कि ये क्या देख रहे हैं हम। और ये वॉशरूम काफी नहीं था कि इन्होंने घर के अंदर सोना भी बनाया है, जर्मन में बोले तो जर्मना। ये देखो, ओ माय गॉड, इट्स अ प्रॉपर सोना रूम। यहाँ से पानी डालो। और ये पत्थर वो वाले होते हैं जिनमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी हीट जो होती है, स्टीम जो होती है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहती है। पूरा रिसर्च कर रखा है मोहतरमा ने। चलो भाई शिल्पा, ये वाला घर काफी फैंसी दिख रहा है। इतना बड़ा घर मतलब लेंगे ये तो ये बस ये देखने वाले हैं अभी गिरती में, बट देख लेते हैं। हाँ चलो चलो, ये घर काफी ज्यादा मॉडर्न और काफी फैंसी लग रहा है, चलते हैं इसमें। ये शिल्पा इन्होंने डबल हाइटेड सीलिंग भी दे दी है। और शिल्पा ये तो एकदम होटल जैसा लग रहा है यार, काफी सुंदर। और ये क्या है भाई, ये फर में क्या है, इन्होंने अलिफ लैला जैसा सा कुछ बनाया हुआ, वो आता था सीरियल। किड्स, ये किड्स तो भैया बड़ा फैंसी किड होगा इनके। वॉशरूम्स और ये सब बनाए हुए इन्होंने। ये सिर्फ वॉशरूम है। अरे यार ये कौन बंदे का घर है, ये सिर्फ वॉशरूम है भाई। ये सिर्फ वॉशरूम है यार, मतलब वॉकिंग। अबे ये सारे आज भ्रम टूट गए हैं, रूम है। ये सारे भ्रम टूट गए हैं बिकॉज बेडरूम है गाइस, वॉक इन क्लोजेट। और फिर आपको दिखाते हैं हल्के हल्के से मैं कैमरा, ये बाथरूम पूरी फुल विंडो, मतलब आज आई थिंक स्पीचलेस हो चुका हूँ शिल्पा मैं, एकदम रियल रियल वाला। ये देखते हैं किचन, किचन को देख के बोलती बंद हो गई है। ये क्या लगाया हुआ इन्होंने यहाँ पे, ये वाली चीज पूरी की फैंसी चिमनी। बट ये भी इससे भी एक आप लर्निंग ले सकते हो कि अगर आपको यू नो मिनिमल में भी अगर सब कुछ फैसिलिटी चाहिए तो वैसा कुछ हो सकता है। चलते हैं नीचे फिर देखते हैं बेसमेंट कैसा दिखता है इस घर का। और पूरा एक अलग अपने में घर है बेसमेंट, बेसमेंट में तो पूरा का पूरा घर दिख रहा है शिल्पा। हाँ, जैसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लगाई है और वॉक टेबल भी लगाई है और ये एरिया भी बनाया है। ये तो ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी एक फैमिली यहाँ पे रह सकती है, काइंड ऑफ यू नो मजे कर सकती है। हाँ। अब देखते हैं ऊपर की फ्लोर का एरिया, काफी अपने इंडियन स्टाइल में लग रहा है। जैसे ये एक सामने बेडरूम है, वाओ, वॉक इन क्लोजेट भी बनाई हुई है जो कि ऐसे अक्सर
पुराने वाले जर्मन घरों में तो देखने को कमी मिलती है, एटलीस्ट हमें। और ये एक और रूम है इनका, फिर एक ये वर्किंग रूम बनाया हुआ है इन्होंने, और वो मैं दिख रहा हूँ, और शिल्पा बाथरूम में खो गई लग रहा है। इतना बड़ा है। क्या बात है यार, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। शिल्पा कैसा लग रहा है? उम्दा। और ये वाला है इनका किंडर जिमर, यानी छोटे बच्चों का रूम। ये भी इन्होंने काफी अच्छे से कलर कोऑर्डिनेशन किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ देसी भाई अपने आए हुए हैं खरीदने के लिए भी। और ये देखो जैसे मल्टीपल इन्होंने घर डेमो हाउसेस लगाए हुए हैं, जैसे वहां पे दो घर दिख रहे हैं, फिर एक ये है, फिर आगे भी पीछे भी बहुत सारे हैं। आई थिंक मुझे लगता है 20-25 कंपनीज ने अपने यहाँ पे डेमो हाउसेस रखे हुए हैं। और ये देख सकते हो आप, आई मीन ऐसा एरिया हो तो किसका रहने का मन नहीं करेगा, काफी प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये वाला देखते। ओ ये वाला, ये सब घर देखने के बाद में हम फ्लैट कैसे ले पाएंगे यार, बड़ा मुश्किल होने वाले। मैंने अभी सोचा, बस वो गली बॉय में रणवीर सिंह नहीं नापता, क्या वैसे मैंने नापा। हाँ। कि कल हम जो फ्लैट देख रहे थे उसमें ये बाथरूम के साइज में हमको रूम दे रहा था। हाँ, वो एक रूम था। हम मतलब क्यों आए देखने जब हमारा बजट सिर्फ फ्लैट लेने का है। फ्लैट का भी बड़ा मुश्किल से होने वाला है, उसके लिए बहुत जुगाड़ करने पड़ेंगे। मुझे तो, मैंने तो ऐसा ड्रीम भी नहीं किया था गाइस, मतलब मैंने सोचा था कि ये रूम खत्म हो गया होगा, मैं इधर खाली रूम टूर दे, नहीं मैं रूम टूर दिया, मैंने वो वॉकिंग क्लोजेट का दिया, मुझे लगा बस जो टूर देने वाली चीज़ थी, दिया ही नहीं। और लोग बोलते हैं यहाँ पे बेडरूम लग्जरी नहीं, लोग नहीं मतलब हमको लगता है कि बेडरूम में यहाँ पे बाथरूम लगाने का कल्चर नहीं है। भाई पैसा है तो सब बनेगा, पैसा लगेगा भैया पैसा। शिल्पा रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा लेके आओ, फिर मैं बनाता ये घर। देख सकते हैं पूरा जैसे हर तरफ घर बने हुए, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक्चुअल कॉलोनी होती है ना उसी में चल रहे हैं, बट ये सारे डमी हाउसेज है और डिसाइड करने को नहीं हो रहा है कि कौन सा ले। कुछ मतलब घर तो ऐसे हैं, डिसाइड करने को नहीं हो रहा है कि कौन सा ले। शिल्पा जी क्या बात कही है, ऐसे हमको लामरे में इनमें से एक भी। मेरी नेक्स्ट लाइन यही थी, कुछ घर तो ऐसे है कि बाहर से देख के ही मतलब ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर जाए क्यों। और मैं कहना चाहती थी डिसाइड करने को नहीं हो रहा कि जाए कौन से में, क्योंकि ऐसे लग रहा है जाके टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है कोई अलग ही दुनिया है। चलिए ये वाला एक घर देखते हैं, काफी प्यारा दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर ये खुला है कि नहीं, बट एक आपको इसके वो जो पीछे घर था उसमें हम लोग दो पार्टी घुसी और दोनों पार्टियों को उसने ऐसी निगाहों से देखा, दोनों पार्टियां भाग खड़ी हुई। उसने हमसे बात ही नहीं करनी चाहिए सेल्स पर्सन, उसको उसको हमारे हावभाव देख के लग गया कि भैया तुम्हारे बस का टाइम नहीं। उसने सोचा मैं ना आपका टाइम वेस्ट करूं और ना मैं मेरा खुद का जाया करूं, अब हम आगे चलते हैं। ये यार काफी सॉलिड है, सिर्फ हॉल देख के वापस आ गए। ये एरिया काफी सॉलिड लग रहा है, ये तो घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। शिल्पा ये घर कैसा है? ये बहुत अच्छा है, इसके आगे स्टॉप लगाया हुआ उन्होंने, उसमें नहीं जा सकते। अच्छा तो अभी बिजी अंदर चल रहा होगा। और ये वाला देखो यार, इसने तो मतलब पूरा वॉक वे एकदम बढ़िया, आप चल के जा सकते हैं कॉफी वॉफी पीने के लिए, अगर 1 मिलियन 2 मिलियन यूरो हो टाइप्स वैसा कुछ हो सकता है। बाकी मैंने ये नोटिस किया है कि इन घरों को बनाने की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज पड़ रही है कि लैंड की कॉस्ट, जो यहाँ पे ग्रुंड है, ग्रुंड स्टूक की पीस जो आपको मिलेगा ना, जमीन का टुकड़ा जिसपे होना तो चाहिए आपका अधिकार बट आपको खरीदना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। राइट शिल्पा? मतलब अच्छी जमीन मिलना एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम है, ये घर बनाना हमको अभी पता चला कि इतना मुश्किल नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है। हाँ। बट कहाँ बनाते हो मतलब एक जैसे मतलब 3-4 बेडरूम का घर बनाओगे तो महंगा नहीं पड़ेगा ये वाले घर। हाँ। मतलब अगेन डिपेंड करता होगा भैया, आपको ऐसा घर बना जो 500 साल चले तो बात अलग है। एक घर में घुस गए थे और वहां से निकलने में काफी टाइम लगा, वहां पे हमारे एक और एक या दो घंटे लगे, तो उसकी स्टोरी भी आपको जरूर सुनाएंगे। तो वहां पे कुछ ऐसा था कि हमें एक वहां का जो सेल्समैन था उसने बहुत बातें बताई मतलब जर्मनी के बारे में, और स्पेशली वो वास्तु के और इन सब के बारे में हमको बता रहा था, सद्गुरु का फैन थे वो, मतलब काफी अच्छी बातें भी थी और यू नो काफी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली, बट आई थिंक 2-3 घंटे का कॉन्वर्सेशन चलता रहा, काफी लंबा चला उन्होंने। हाँ, मेहमान नवाजी भी हुई। हाँ, मेहमान नवाजी हुई। उन्होंने जर्मनी में यू नो घर कैसे सर्च करना है, ऑफलाइन कैसे सर्च करना है, ऑनलाइन क्या क्या चीजें, ऑनलाइन क्या क्या चीजें आप देखनी आपको चाहिए, और फिर क्या प्रोसेस है, काफी सारी अच्छी अच्छे पॉइंट्स बताए। तो अब वहाँ से फिर शुरू करते हैं कि भैया आज का जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है
वो आपके साथ शेयर करते हैं आज का क्या सारांश है। हाँ, शिल्पा, लेकिन ओवरऑल कैसा लगा, जिस स्टार्ट करने से पहले ओवरऑल बताओ कैसा क्या एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज देख के बढ़िया लगा। हाँ, इतने सारे घर देखे और हमने शायद पहली बार हम किसी ऐसे मॉडर्न हाउस में गए हैं जर्मनी में, तो लाइक हमेशा से अमीरों के घर बाहर से ही देखते थे, बट ऐसे अंदर से जाके देखा तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। तो गाइस, फंडा ये है कि जो अमीरों के घर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके भी हो सकते हैं। हाँ। आपको बस यहाँ पे नौकरी की जरूरत है। अब बात करते हैं घर की कॉस्ट के हिसाब से, तो लैंड जो जमीन की कॉस्ट है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले घर की कॉस्ट की बात करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल घर आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये घर आपको बनाने में लगेंगे 3 लाख यूरोस, 3 लाख यूरो के आसपास, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। अब इसमें ये इस घर का है, डिपेंड करता है बहुत सारे घरों। मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल ये है अराउंड आई थिंक 120 स्क्वायर मीटर, तो 120 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1200-1300 स्क्वायर फीट एरिया होता है। तो अगर आप ये घर बनाते हैं कम्प्लीट तो आपको ये पड़ेगा 3,20,000, जिसमें फ्लोरिंग वगैरह वो सब भी आ जाएगी। तो 3,20,000 यूरो का तो आपको पड़ेगा घर, फिर 20,000 यूरो आपकी जो आप जमीन लोगे ना, उस जमीन को यू नो प्रॉपर करने के लिए उसके जो यू नो प्लेन करवाओगे, फिर उसमें एक लेवलिंग और एक छोटा पैलेट से बनाते हैं, मतलब एक प्लेस सा बनाते हैं, हार्ड टॉप बनाते हैं, वो सब है। फिर वो एक वीडियो में दिखाया था शुरू वाले में, ब्लैक ब्लैक कलर का था, वाटर कनेक्शन भी करना पड़ेगा, जो भी सारे कनेक्शन होते हैं। तो ये हो गए 3,40,000 यूरो आपके उस लेवल तक लाने के लिए प्रिपेयर हो गया, फिर घर बन गया। अब आपको चाहिए जमीन। सो वही सबसे वो है मेन मुद्दा। हाँ। जमीन की लड़ाई है, जमीन का क्या जमीन है की और कुर्सी की लड़ाई है सबसे मेन फंडा यही है। सो और बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे घर देखे, तो यूजुअली जैसे घरों की कॉस्ट 300 से लेके 500 यूरो तक में बन जा रहे हैं अच्छे साइज। आपको मतलब बड़े से बड़ा मैसिव घर भी चाहिए तो जैसे 5 लाख यूरो में तो बहुत सॉलिड चीज बन जाएगी। और उसके अलावा फिर लैंड में बस यही है कि आप अगर फ्रैंकफर्ट में लैंड लेने जाओगे तो ऑफकोर्स 1 मिलियन यूरो तक का पड़ेगा। अगर आप फ्रैंकफर्ट के बाहर कहीं जाते हो, जैसे डार्मस्टाड है और भी बहुत मतलब सारे एरिया के अंदर नहीं, फ्रैंकफर्ट डार्मस्टाड के बीच में जो है ना शिल्पा, उसका कह रही हूं, राइट? वही वैसे उस साइड अगर चले जाओ या इधर फुल्डा वाले साइड कहीं चले जाओ, छोटे टाउन में जाओ, छोटे टाउन में चले जाओ, तो अगेन आपको वो मतलब 500 यूरो का भी मिल सकता है, 200 यूरो का भी मिल सकता है लैंड, वो फिर एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई जमीन की प्राइस की, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो छोटे टाउन में गए बाहर और यू नो डिसेंट से विलेज में गए या फिर जो भी है मिड साइज का, तो वहां पे आपने लैंड आपकी खरीद ली अराउंड 2 लाख यूरो की फॉर एग्जांपल, तो इस वाले घर को बनाने के लिए आपको तकरीबन चाहिए होगी 400 से 500 स्क्वायर मीटर, तो आपकी 400-500 स्क्वायर मीटर 2 लाख की आ गई। फिर उस पे लैंड वाला टैक्स लगेगा, फिर आपको वो मोस्ट प्रोबेबली एजेंट के थ्रू ही मिलेगी, मतलब खुद से तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, खुद से ढूंढ लो बहुत ही अच्छा है, तो वो 6% और लग गया, तो अराउंड आपको पड़ेगी वो 224,000 यूरो की, तो लैंड विथ ऑल योर पेमेंट एंड ऑल। बहुत ही अगर आउटस्कर्ट्स में ही जाके लेते हो लैंड तो मिलेगी 200,000 के, आउटस्कर्ट्स की बात नहीं है, बट हाँ मतलब मिड सा यू नो एक सिटी और गाँव के बीच का ऐसा गैप में मिल जाएगी। तो ये सब मिला के 3,40,000 यूरो का तो पड़ गया आपको घर, और 2,24,000 यूरो की आपको पड़ गई जमीन विद ऑल द रजिस्ट्रेशन, ये सब सारा फंडा हो गया आपका, तो 5,64,000 यूरो में आपका बन गया चाबी के साथ घर भैया। और वो कौन से घर की हम बात कर रहे हैं स्पेशली वो दिखा देती हूँ आपको। इसमें फोटो में दिखा रही हूँ मैं, मुझे लगा रुको। ये वाले घर का जैसे ये इस साइज का घर है, ये वाले कैलकुलेशन हमने लिए है यहाँ पे, तो ये वाले हम बात कर रहे हैं। और अगर आप यही देखोगे तो वो गिर गया, उठा लेंगे, जैसे ये देखोगे आप तो ये आपका 347 में आ गया, इसमें 20-30,000 यूरो आप जोड़ दो जमीन वमीन को इसको वो करने का। हाँ। तो नीचे बैठ के चल लेते हैं तो ये 386 का हो गया। हाँ, ये इन्होंने इटालियन नाम दिए हुए हैं, बेलोचियो समथिंग, सो ये 308 का तो आपका घर पड़ेगा और 574 में फाइनल पड़ जाएगा अगर आपकी जमीन 2 लाख यूरो की है। सो गाइस बहुत ही उम्दा ऑफर है, जल्दी जल्दी ग्रैब करें। तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज कलेक्ट हुई, बहुत सारी कंपनियां 40-50 कंपनियां हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है जिससे बढ़िया आपकी बात बैठ रही है, देखो फिरो घूमो फिरो। हम तो पहली बार आए हैं, हमें तो किसी से उड़ती खबर मिली कि यहाँ पे ऐसे डेमो हाउसेज हैं, तो भैया जाना चाहिए, गूगल मैप में एड्रेस देखा और डाल के आ चुके हैं, और वो जो
एंड वाला सेल्समैन था वो काफी अच्छा था, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें फिराई हमें, जर्मनी की पूरी हिस्ट्री बता दी बहुत सारी चीजों के बारे में, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ पे आने के बाद में मतलब आपको यू नो एक दो साल बाद में भी लेना है अगर आप जर्मनी में रहते हो या फिर जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो, ये सब देखने से आपको काफी सारा नॉलेज भी हो जाएगा, तो जिससे कि यू नो आपको ये डर सा निकल जाएगा कि यार ये घर लेना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो जिस भी एरिया में आप चाहते हो घर लेना तो उस एरिया में एक बार जाओ। जैसा इस बंदे ने भी बोला ना कि आपको लगता है एक दो एरिया जो अच्छे लगते हैं उनमें जाओ, गाड़ी लेके पैदल ट्रेन से जैसे भी जाना है और थोड़ा घूम फिर के वहाँ देखो, नेबर समझो, नेबर से बात करो। और यू नो दो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि रियल एस्टेट का प्राइस क्या है यहाँ पे और थोड़ा जमीन का टोटल ये सब, तो आज थोड़ा आइडिया लग पाया आपको कुछ? आई थिंक काफी ज्यादा आइडिया लगा क्योंकि ये जो अभी आपको घर की कैलकुलेशन बताई ये 5 लाख 5.5 लाख यूरो में मान लो, और जो हमने एक बार आपको फ्लैट का वीडियो दिया था उसमें वो सब फ्लैट्स आपको पड़ेंगे ऑलमोस्ट वही सेम 5.5 लाख यूरो में, तो वो पड़ेगा 83 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आपको जमीन मिल रही है उसकी ऑलमोस्ट 6 गुना तो जमीन है और एरिया भी या आधा डेढ़ा टाइप्स है, नॉट आधा, जैसे ये 83 है तो बट मे बी उस एरिया में इतनी जमीन ना मिले, सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। उस एरिया में तो जमीन कैसे मिलेगी, वो तो बहुत एक्सपेंसिव, वो तो विस्बाडन के पास में exactly, है। सो पॉइंट इज कि जमीन आपको ढूंढनी पड़ेगी और वो जमीन तो ये बात तो है ना, इसीलिए तो फ्लैट महंगे होते हैं शिल्पा, वो तो दिल्ली मुंबई बेंगलोर में अगर आप घर बनाना चाहोगे तो आपको मिलेंगे बहुत महंगे, तो वो फंडा रहेगा। ओके तो ये था भाई सारे घरों की प्राइस का आइडिया हमने कोशिश करी आपको देने की। और बताओ शिल्पा। तो बस आज के वीडियो के लिए तो यही, जैसे जो भी हम यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए वो हमने आपके साथ शेयर की, तो आप बने रहिए हमारी इस जर्नी का पार्ट। हमें भी नहीं पता कि हमको कितना टाइम एक्चुअली लगने वाला है घर लेने में, लेंगे कि भी नहीं लेंगे, पता चला इन द प्रोसेस लगने ले पाएंगे कि भी ले पाएंगे, ये भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप लोग भी जैसे अगर जानना चाहते हो हाउसिंग वगैरह का यहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है, तो आप देखते रहिए हमारी ये हाउस बाइंग की सीरीज, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अब बाय बाय। उधर कहीं हमारी गाड़ी खड़ी है। एक और बात, यहाँ पे इसमें जाने के लिए टिकट थी ना कितने, पार्किंग 3 यूरो पर पर्सन तो, और फिर 1.5 यूरो पार्किंग थी, तो काफी डिसेंट सी प्राइस रखी है इन्होंने। सच मैं काफी टाइम से सोच रहा था, ऑलमोस्ट 1 ईयर से आई थिंक हमने वीडियो दोबारा से चालू कर दी एंड करने के बाद में, सो काफी टाइम से सोच रहा था की यहाँ आऊ, और अभी आप देख सकते हो, एक सेकेंड बहुत शेक हो रहा है, वहाँ 2-4 ही गाड़ियां खड़ी हैं क्योंकि हमको हो गई है लेट। सो अभी चलते हैं और थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।